हेलो स्टूडेंट्स, HTML की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 2। इससे पहले की क्लास का जस्ट हम रिमाइंडर ले रहे हैं, हमने क्या क्या सीखा था पिछली क्लास में, जिससे कि आप लोग अपडेट हो जाएं। और अगर आपने किसी कारणवश ये क्लास अभी तक नहीं देखी है पिछली वाली, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें और उसके बाद फिर इस क्लास को देखें। तो हमने उस क्लास में सबसे पहले देखा था व्हाट इज़ HTML, मैंने आपको समझाया था वहाँ पर HTML क्या है। उसके बाद हमने देखा HTML का स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, सबसे पहले क्या आता है, कौन सा टैग स्टार्ट होता है, फिर कौन सा टैग आता है, किस टैग को बंद करने के बाद फिर कौन सा टैग आता है, ये सिखाया था। उसमें हमने दो सेक्शन देखे थे, एक टाइटल सेक्शन देखा था और एक बॉडी सेक्शन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था लाइन ब्रेक करना सीखा था कि HTML प्रोग्रामिंग में हम लाइन को कैसे ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ठीक है, BR टैग, ये हमने वहाँ पर आपको समझाया था कि BR टैग का यूज़ लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। फिर हमने इसके बाद हेडिंग टैग देखे। हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होते हैं, तो H1 सबसे बड़ा होता है और H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा, फिर H4 उससे छोटा, H5, H6, इस तरीके से वो चलते जाते हैं। यानी H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटी हेडिंग है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ टैग देखा था कि जब भी आप बॉडी के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। पी टैग को फॉलो करते हुए आप उसके अंदर पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो रहे हैं तो आप इनमें नंबरिंग दे सकते हैं P1, P2, और अगर नहीं भी देंगे, बार बार P का यूज़ करेंगे तो तब भी चल जाएगा। लेकिन एडिटिंग करते समय कौन से पैराग्राफ में दिक्कत है, तो आप काउंट करके, अगर P4 में दिक्कत आ रही तो आप सीधे P4 में जाके कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अरेंज करने के लिए, क्योंकि जब यह वेबसाइट बनती है तो कोडिंग बहुत बड़ी होती है, तो उस समय जब हम एडिटिंग करने पर आते हैं तो हमें दिक्कत आती है, तो हम वहाँ पर नंबरिंग रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप सिंपली पी से भी यूज करेंगे तो HTML आपको मना नहीं करेगा। इसके बाद हमने अलाइन एट्रीब्यूट देखा था कि अलाइन किसी पैराग्राफ या किसी लाइन को या किसी फ्रेज को या किसी वर्ड को हम लेफ्ट, राइट, सेंटर कैसे अरेंज कर सकते हैं बॉडी के अंदर, तो हमने उसके लिए भी आपको एट्रीब्यूट बताया था अलाइन। कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे हमने, अगर हमें बोल्ड करना है तो बी टैग का यूज करते हैं, इटैलिक करना है तो आई टैग का यूज करते हैं, है ना, और अगर हमें अंडरलाइन करना है तो यू टैग का यूज करते हैं। अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब पावर लगाना है, जैसे अगर हमें लिखना है x की पावर 2, तो हम इस टैग से लिख सकते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बताया था मैंने, सबस्क्रिप्ट यानी बेस लगाना है, जैसे अगर आपको लिखना है H2O, तो H2O में 2 कहाँ होता है, बेस में होता है, तो अगर आपको ये लिखना है तो आपको 2 के आगे और पीछे सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ेगा। बिग, बिना फॉन्ट साइज इंक्रीज किए आपको अगर कोई टेक्स्ट बड़ा दिखाना है तो आप बिग का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे स्मॉल दिखाना है तो स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक यानी वर्ड में से ऐसे लाइन स्ट्राइक हो जाती है ना, कट लगाना है आपको, तो स्ट्राइक टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आज हम सीखेंगे सबसे पहले फ्रेज टैग्स। फ्रेज आप लोगों को पता ही, उनके लिए कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं। फ्रेज टैग में सबसे पहले आता है इम्फेसिस टैग। इम्फेसिस एक्चुअली में इटैलिक का मॉडर्न टैग है, जो HTML5 है उसमें इम्फेसिस का यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए। आप आई का भी यूज़ कर सकते हैं, EM का भी यूज़ करते हैं, दोनों सिमिलर वर्क करते हैं। मार्क हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए, मतलब वर्ड आपको अलग से दिखता है। एब्रीविएशन का यूज़ यहाँ पर इसलिए होता है कि अगर हमें किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखना है और हम उसका पूरा नाम भी देना चाह रहे हैं, कि मान लो हमने यहाँ पर जैसे ये फ्रेज लिखा हुआ, फ्रेज के हम फुल फॉर्म दिखा रहे हैं, तो यूज़र हमारा जैसे इस पर माउस रख के होल्ड करके रखे थोड़ी देर, तो उसके इसकी फुल फॉर्म दिखने लगे, तो वो एब्रीविएशन के लिए होता है। ये मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ अभी आपको सारी चीज़ें, चारों टैग्स हम देखते हैं प्रैक्टिकली। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इम्फेसिस, जैसे कि मैंने बताया था इम्फेसिस का यूज़ इटैलिक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्ड है हम इसको इम्फेसिस करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसके आगे ईएम का यूज़ करेंगे और इसके बाद ईएम को क्लोज कर देंगे। तो ये जो वर्ड है हमारा वो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था मार्क, मार्क मतलब हाइलाइटर, तो येलो कलर से ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे हम सिंपली डमी से लेकर यहाँ तक का पूरा टेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्क लगा देंगे और जहाँ तक आपको करना है उसके बाद आप क्लोज कर दें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंस द 1500 यहाँ को मैं इसको बोल्ड करने के लिए तो स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ इसको। इन फ्रेजेस को कोई फ्रेजेस टैग को कोई बताता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं, डीपली सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसका एग्जांपल आउटपुट, तो ये है इसका आउटपुट। अब देखिए हमने लॉरेम इप्सम जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसमें ईएम का यूज़ किया था यानी इम्फेसिस, तो आप देख रहे होंगे कि वो इटैलिक हो गया, ठीक है। मार्क, मार्क का यूज़ हम करते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो वो आपको हाईलाइट दिख रहा होगा। सिंपली डमी से लेके हमने इंडस्ट्री तक लगाया था, तो इंडस्ट्री तक ये आपका हाईलाइट हो गया। सिंस 1500 को हमने स्ट्रॉन्ग किया था, तो वो आपको बोल्ड दिख रहा होगा अलग से, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए एब्रीविएशन की बात करें, तो यहाँ पर जैसे हमारा ये वर्ड लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम, तो हम इसका शॉर्टकट लिखते हैं LI, और जब भी इस पर माउस रखेंगे तो पूरा नाम दिखेगा, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं एब्रीविएशन का, ठीक है। तो यहीं पे लगा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम टैग यूज़ करेंगे एब्रीविएशन का, स्पेस टाइटल इक्वल टू, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LI ब्रैकेट क्लोज। अब पूरा नाम लिखेंगे, तो पूरा नाम क्या है लॉरेम इप्सम, और क्लोज कर देंगे। अब इसको हम करते हैं सेव और आउटपुट चेक करते हैं चल के। उल्टा हो गया है, यहाँ पर हमें पूरा नाम लिखना था, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखना था, तो हम चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं LI और यहाँ पर कर देते हैं लॉरेम इप्सम। अब करते हैं सेव, अब देखिए अब आपको यहाँ पर ये शॉर्ट में दिख रहा होगा LI। अब मैं यहाँ पर माउस को रखे रहूँ थोड़ी देर, तो आपको दिख रहा होगा इसका पूरा नाम लिख के आ रहा है लॉरेम इप्सम, ठीक है। एब्रीविएशन टैग का यूज इसलिए हम करते हैं। चलिए तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा टैग है बीजी कलर, उससे पहले हम फॉन्ट का देख लें, फिर हम आते हैं बीजी कलर पर। फॉन्ट टैग का यूज हम जब करते हैं तो इसके साथ तीन प्रॉपर्टीज का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो, एक तो होता है फेस, एक होती है स्टाइल, साइज और एक होता है कलर। स्टाइल हम अभी नहीं CSS में यूज़ करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फेस का मतलब है कि आप फॉन्ट टाइप क्या लेना चाह रहे हैं, राइटिंग स्टाइल क्या लेना चाह रहे हैं, साइज तो समझ ही गए होंगे आप, और कलर फॉन्ट का साइज क्या रखना है आपको और कलर क्या रखना है वो इसके लिए। तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। पहले आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट टैग में, और आप चाहो तो इसको एक एक करके भी यूज कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए
तो मैं इस पैराग्राफ को हटाकर अब हम इसके साथ यूज करते हैं, सेव करते हैं, पहले हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लिख के आ गया है। ठीक है, आपको अगर अपने ब्राउज़र पे जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको इतना बड़ा आउटपुट नहीं दिख रहा है वो, तो कंट्रोल दबाकर माउस का स्क्रॉल बटन का यूज़ करना, तो यहाँ पर आप जूम बढ़ा सकते हैं इसका। ये भी 400 पर है, ये 250 पर है परसेंट, ये 200 पर है, तो आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और वैसे नॉर्मली जब हम कुछ नहीं करते हैं तब ये कितने पर रहता है, 100% पर रहता है, तो 100% पर एक्चुअल साइज़ ही आ रहा होता है। तो क्योंकि वीडियो है आप लोगों को, मोबाइल स्क्रीन पे भी आप लोग देखते हो, तो मैं थोड़ा सा जूम करके चल रहा हूँ यहाँ पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फॉन्ट टैग का यूज़ करके देख लेते हैं फॉन्ट टैग किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉन्ट, और फॉन्ट टैग को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अभी तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, आउटपुट चेक करता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कलर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पहले कलर का यूज़ करके बता रहा हूँ। तो फॉन्ट के बाद देंगे स्पेस, कलर इक्वल टू, मैंने यहाँ कलर दे दिया रेड। अब करेंगे यहाँ पर सेव और चेक करते हैं कि वास्तव में काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल कर रहा है, तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया। अब साइज़ दे के देखते हैं, तो स्पेस फिर से देते हैं। मैं एक ही में लगा के बता रहा हूँ, आप चाहो तो ये अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग का भी मैं आपको अभी बता दूँगा। तो साइज़ मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया 14। सेव करते हैं, तो ये साइज़ भी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा फेस, फेस यानी फॉन्ट टाइप हमें कौन सा लगाना है। अब फॉन्ट टाइप आपको सारे तो याद नहीं रहते है ना, कुछ कॉमन है जो बार बार हम यूज़ करते हैं उनको तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन सारे हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब इतने नहीं यूज़ करते हैं जो हमें याद रहे। कुछ आपको जैसे टाइम्स न्यू रोमन याद हुआ, कुछ ऐसे याद हैं आपको, तो हम कैसे लेके आए फॉन्ट, कहाँ से लेके आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट का जो हमारे नोटपैड में ही उपस्थित है। तो हम फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर फॉन्ट टैब में, तो यहाँ पर फॉन्ट ओपन हो जाएंगे। अब आप इसमें से जो भी फॉन्ट लगाना चाहें, सपोज आपको ये कूपर पसंद है और कूपर आपको लगाना है, प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये वाला फॉन्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट के साथ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो इसका नाम यहाँ ऊपर सेलेक्ट होकर आ जाता है, राइट क्लिक करो इसके नाम पर और आपको कॉपी कर लेना है, क्लोज कर दो, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इसको पेस्ट कर देना है। अब इसको करेंगे सेव और चेक कर देना, तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब मैं यही चीज आपको अलग अलग यूज करके बता रहा हूँ। तीनों प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ कलर का बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम बस कलर पे छोड़ देते हैं। सेकंड वाले में मैं सिर्फ साइज बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर बस साइज रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। और थर्ड वाले में मैं आपको केवल फेस, अब तीनों का अलग अलग यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर, किसी का कलर चेंज करना है, कहीं मार्क करना है, कहीं साइज इंक्रीज करना है, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में लगाया था वैसे भी लगा सकते हो। एक काम और रह गया, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट में सिर्फ कलर चेंज हुआ है, सेकंड में सिर्फ साइज और थर्ड में फेस चेंज हुआ है। आपको तीनों के डिफरेंस यहाँ पर दिख रहे होंगे।
ठीक है। तो फॉन्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा ऑप्शन है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। ये टैग हम यूज करते हैं अपने ब्राउजर का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, अपने वेब पेज का, ठीक है। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो बॉडी के अंदर ये एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। तो बॉडी टैग जो आपने ओपन बॉडी टैग जो लिखा हुआ उसके अंदर आप स्पेस देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपली बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर का शॉर्ट फॉर्म है, इक्वल टू। अब आपको जो भी बैकग्राउंड देना है, सपोज मुझे ग्रीन देना है तो मैंने यहाँ ग्रीन लिख दिया। सेव करी फाइल, ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी कलर याद है आप यहाँ लिख दीजिए और वो कलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। सपोज आपको स्काई ब्लू चाहिए या ब्राउन चाहिए, ब्राउन में डार्क चाहिए, टैन, हमने टैन लिख दिया। जितने कलर को के नाम आपको याद हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं और वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। ये टैन कलर है, लाइट ब्राउन, ठीक है। लेकिन अगर आप कलर चाहिए आपको और आपको मिक्स कलर भी चाहिए आपको और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखें वहाँ पर, तो आप सिंपली इतना परेशान ना हो, आप ब्राउज़र में जाकर एक वेबसाइट ओपन करें, HTML कलर कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, HTMLColorCodes.com आ जाएगी वेबसाइट अपने आप। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको ईजिली सारे कलर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी कलर हैं। अब जैसे आपको रेड येलो का मिक्स चाहिए या येलो और ग्रीन का मिक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कलर सेट किया। उसके बाद आपको यहाँ सर्कल से अपना कलर लेना है कि आपको लाइट में जाना है कि थोड़ा डार्क की तरफ जाना है। लाइट की तरफ जाना है तो इस सर्कल को यहाँ रखिए। अब जो जिस जगह पर आपका सर्कल रखा हो वो कलर आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा। अगर आप अभी इस कंडीशन में ये कलर लेते हैं तो ये कलर आपका ब्राउज़र पर सेट हो जाएगा। तो लेना कैसे है, इसका कोड यहाँ पर आ रहा होगा नीचे जो हैश के साथ आता है। राइट क्लिक करके आपको इसको कर लेना है कॉपी और बीजी कलर इन्वर्टेड कॉमा में जाकर इसको पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। वापस आना है अपने ब्राउज़र पे, चेक करें, ये कलर देख लीजिए और ये कलर देख लीजिए, सेम कलर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप फॉन्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का कलर हमें चेंज करना है तो हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं HTML कलर कोड से। मान लो फॉन्ट का कलर हमें डार्क और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन में लेना है या पर्पल और ब्लू के कॉम्बिनेशन में लेना है, हल्का पिंक इस टाइप का, है ना। सर्कल को इधर लाते हैं, ये वाला कलर आपको लेना है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जो हमने यहाँ फॉन्ट कलर दिया हुआ उसमें पेस्ट कर देते हैं, सेव और चेक करते हैं। ये कलर इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो HTML कलर कोड वेबसाइट से कलर लेकर आप न केवल बीजी कलर में सेट कर सकते हैं बल्कि जहां भी आप कलर लगा सकते हैं HTML कोडिंग में वहां पर इन कोड्स का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज इंफेसिस, सॉरी फ्रेज टैग्स और फॉन्ट टैग क्लियरली समझ में आ गया होगा और इसके बाद जो जो मैंने बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर्स बताए ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगर बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहें तो फिर कैसे लगाएं? बैकग्राउंड में अभी हमने ऐसे ये कलर सेट किया है, कलर नहीं लगाना है हमको, कोई पिक्चर लगानी है, तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड, किसी भी लोकेशन से आप पिक्चर को लाके यहाँ लगा सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव है। दूसरा मेथड कि हम केवल उसी पिक्चर को लगाएं जो कि हमारे प्रोग्राम वाले फोल्डर में ही कॉपी कर रखी है हमने, केवल उसी पिक्चर को लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम अगर इस वेबसाइट को किसी दूसरे को दिखाने ले जा रहे हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ अपना पेन ड्राइव में वो पूरा फोल्डर कॉपी करेंगे और उसके सिस्टम पे जाके पेस्ट करके या पेन ड्राइव से एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो पिक्चर को ले लेगा क्योंकि उसकी पिक्चर की लोकेशन चेंज नहीं होगी, वो उसी फोल्डर के अंदर है। और अगर हम किसी भी पिक्चर को लगा देते हैं अपने कंप्यूटर से
तो हम जैसे ही उस प्रोग्राम की फाइल को कॉपी करेंगे तो वो पिक्चर उसमें से चली जाएगी क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, अभी सीख रहे हैं आप, लेकिन आप मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप जब भी यूज़ करें प्रोग्राम और पिक्चर एक ही फोल्डर में रखें और फिर लगाएं। चलिए देखते हैं हम इसको। तो बैकग्राउंड में पिक्चर लगाने के लिए टैग जो यूज करते हैं वो टैग होता है बैकग्राउंड। किसी भी पिक्चर को लाने के लिए हमें उस पिक्चर की लोकेशन लानी होती है। अब जैसे हमारा प्रोग्राम HTML सीरीज और प्रोग्राम्स के अंदर जाके सेव है प्रोग्राम वन के नाम से। अब हम पिक्चर किसी दूसरी लोकेशन से ला रहे हैं, पिक्चर हम इस फोल्डर से ला रहे हैं PPI से। मान लो हमें ये वाली पिक्चर यूज़ करनी है, स्काई वाली पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पिक्चर पे करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर इसकी जो लोकेशन आ रही है उस लोकेशन को कर लेंगे कॉपी, पाथ भी बोल सकते हो आप इसको। कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अभी क्या हुआ है, इस पाथ की मदद से हम उस फोल्डर के अंदर पहुँच गए हैं जहाँ ये पिक्चर सेव है। अब कौन सी पिक्चर, उसमें तो बहुत सारी पिक्चर पड़ी हैं, तो हमें यहाँ पर इस पिक्चर का नाम लिखना पड़ेगा विथ एक्सटेंशन नेम के। वो पिक्चर आपकी JPEG इमेज है यानी JPG इमेज है या फिर PNG इमेज है या बिटमैप इमेज है, वो आपको यहाँ एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं, हम पिक्चर को चेक करते हैं कि पिक्चर हमारी किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हम जैसे ही माउस को थोड़ी देर रखे रहेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा JPG फाइल है, पहली चीज। दूसरी चीज़, इसका नाम। तो इसका नाम काफ़ी अजीब सा है, तो हम क्या कर देते हैं कि नाम इसका हम चेंज कर लेते हैं, रीनेम करके कुछ भी लिख देते हैं, ABC लिख दिया हमने इसका नाम। हम अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं, ABC.JPG और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं जो हमने लगाया हुआ था। यहाँ से चल रहा है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ के क्लोज। अब हम करते हैं इसको सेव और ब्राउजर में आते हैं वापस और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये पिक्चर हमारी इसमें आ जाएगी। अगर पिक्चर बड़ी होगी तो फुल आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी होगी तो आधी दिखेगी आपको, छोटी होगी तो टाइल्स के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज है HTML में, हम उसके साथ कोई सेटिंग नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ आएगी पिक्चर। तो आपको पिक्चर छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पिक्चर को छोटा बड़ा करके फिर आप यहाँ सेट करें साइज को। क्लियर, तो इतनी ही पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए कहीं पर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तब भी कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी मैं आपसे कोई सवाल इसमें पूछता हूं तो आप उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो आज का सवाल ये है कि फ्रेज टैग्स में जिन तीन टैग्स को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से, एम्फेसिस, मार्क और स्ट्रॉन्ग, ये किस टैग से मिलते जुलते हैं, किन टैगों के सिमिलर हैं, इसका आंसर आपको आज कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, जिससे कि आने वाली सीरीज जो भी हैं ट्यूटोरियल्स की वो आपको मिलती रहे। प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।